हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं करिश्मा राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ phonezone.ae में, जहाँ हम बातें करते हैं टेक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक खास आईफोन की, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड में आ चुका है। ये लॉन्च पिछले साल हुआ था, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके फीचर्स के साथ साथ इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है वो भी आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि ये फोन कोई और नहीं आईफोन 11 है। यस यू हर्ड इट राइट, आईफोन 11 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो ऑलमोस्ट सेम है, या आईफोन 11 प्रो से भी अच्छा आईफोन प्रो मैक्स हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं तीनों फोन के बारे में और देखेंगे इनमें क्या क्या अपग्रेडेशन है और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं, और अगर नए हैं आए हैं तो ये चैनल जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स। तो ये तीनों फोन जो है एक ही साथ लॉन्च किए गए September 20 को। अगर मैं बात करूँ आईफोन 11 और 11 प्रो की, तो आईफोन 11 प्रो जो है एक अपग्रेडेड वर्जन है आईफोन 11 का, और साथ ही साथ प्रो मैक्स जो है अपग्रेडेड वर्जन है आईफोन 11 प्रो का। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके वर्जन की, तो इन तीनों में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू ईच अदर। लेकिन आईफोन 11 का और आईफोन 11 प्रो मैक्स का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईफोन प्रो मैक्स की और आईफोन 11 प्रो की, तो उसमें ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा इनके डिस्प्ले में या फिर इनकी बैटरी लाइफ में ही देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो डिफरेंस है ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके वेट को लेके। जी हाँ, इनके तीनों के वेट को लेके एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ, तो 11 में सबसे बड़ी कंप्लेन यही थी कि वेट बहुत ज्यादा है। यस, इसका वेट जो है 11 का 194 ग्राम्स का था, लेकिन 11 प्रो में आते ही इसका वेट जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है, 188 ग्राम्स कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही इसमें प्रो मैक्स तक पहुंचा, ये वेट फिर से इंक्रीज हो गया है और इसका वेटेज हो गया है 226 ग्राम्स का। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहले से ज्यादा इसका वेट बीच में कम किया गया था और उसके बाद एकदम से बढ़ा दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसकी स्क्रीन साइज की। इसका स्क्रीन साइज में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकती है लास्ट में आते आते। पहले इसका स्क्रीन साइज जो था 6.1 था। जी हाँ, 6.1 तक का इसका स्क्रीन साइज था, और उसके बाद इसका जो स्क्रीन साइज है वो 5.8 का कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही प्रो मैक्स की डिलीवरी हुई, तो इसका स्क्रीन साइज भी फिर से बढ़ा दिया गया था, 6.5 इंच तक का स्क्रीन साइज हो गया था। इसमें आपको सिम कार्ड भी उतना ही अवेलेबल, सिम कार्ड में सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, जी हाँ मैं बात करी वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी की, उसमें आपको डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। प्रो मैक्स की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें 2 मिनट से लेके 30 मिनट तक का दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। यस, अब प्रो मैक्स में अब आपको देखने को मिलती है 4 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की वाटर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं एप्पल आईफोन की बात करूँ, सिर्फ 11 की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 11 की बात करूँ, तो उसमें सिर्फ 2 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का डिफरेंस है। कि हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रो की मैं बात करूँ, तो वो और मैक्स में ऑलमोस्ट सेम ही डिफरेंस है, 4 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। इनकी बैटरी लाइफ में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मगर अगर मैं इस बात करूँ बैटरी से पहले इसके कैमरा की, तो कैमरा क्वालिटी में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी कैमरा क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है कैमरा को लेके। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओएस सिस्टम की, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। और साथ ही साथ इसकी जितनी भी बाकी सारे फीचर्स हैं, चाहे वो इसके इंटरनल फीचर्स हों या फिर कोई और फीचर, उनमें भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट दी स्टोरेज कैपेसिटी। जी हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसके अलावा इसमें एज सच आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलेंगी। अगर बैटरी की मैं फिर से बात करने आ गई हूँ, तो बैटरी जो है इसकी बहुत ही सिंपली आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 11 की मैं बात करूँ, तो उसकी बैटरी जो थी पहले 3110mAh की बैटरी थी, जो की अपग्रेड करके बना दी गई थी 3046mAh की। यस, प्रो की मैं बात करूँ सिर्फ 11 प्रो की, तो 3046 की उसकी बैटरी थी। अगर प्रो मैक्स की हम बात करते हैं, तो वो आपका आईफोन 11 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अपग्रेड की गई है, जो कि बन चुकी है 3969mAh की। जी हाँ, 3969mAh की बैटरी बना दी गई है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, किस किस
कैपेसिटी में आपको अवेलेबल है, किसकी साइज में अवेलेबल है, इसकी साइजेस हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ कुछ फोन जो है एक स्पेसिफिक इंटरनल कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, इंटरनल कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं 11 में जो है स्पेसिफिकली कहा गया है कि 128 GB का अवेलेबल रहेगा। जी हाँ, 128 GB का आईफोन 11 अवेलेबल रहेगा, मगर आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स में ये नहीं अवेलेबल होगा। जी हाँ, इस साइज में आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर मैं बात करूँ अपग्रेडेड वर्जन्स की, प्रो और प्रो मैक्स की, तो उनमें आपको 128 GB बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले में इन्होंने अपग्रेड करके दिया है 512 GB का यहाँ पर मैक्स फोन। जी हाँ, 512 का आपको एप्पल आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ इनमें बाकी दोनों वेरिएशन भी अवेलेबल रहेगी। जी हाँ, दोनों बाकी वेरिएशन अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर, 64 GB भी अवेलेबल होगा और 256 GB भी अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं इनके प्राइजेस की, इनके प्राइजेस में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता, इनके प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा क्योंकि इनमें ज्यादा फीचर्स का वेरिएशन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं ये आपको कहाँ पर और कैसे मिल सकते हैं, कितने रेट में मिल सकते हैं, तो एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये बहुत ही रीजनेबल रेट्स में मिल सकते हैं, दैट इज phonezone.ae। जी हाँ, phonezone.ae बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये मिल सकते हैं मार्केट के बेस्ट रेट पर। आपको बस उस वेबसाइट पर लॉग इन करना है, phonezone.ae टाइप करना है और यहाँ पर अपना फेवरेट ब्रांड लिखना है। जी, आपको यहाँ पर बस आईफोन टाइप करना है और आपको कौन सा चाहिए वो लिखना है। अगर आपको iPhone 11 में कोई भी वेरिएशन चाहिए तो आप वो यहाँ पर टाइप करते हैं और सर्च बार पर क्लिक कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आइकन्स ओपन होते हैं और उनमें से आपको जो भी चाहिए आप वो क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके पास एक बेहतर डील भी यहाँ पर होगी। चलिए देखते हैं कि प्राइजेस वहां पर कितने हैं और क्या क्या प्राइजेस हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस साइट एंड देखते हैं यहाँ पर आईफोन 11 की। अगर मैं बात करूँ आईफोन 11 की मैं बात करूँ और वो भी 64 GB की, 64 GB की हम बात करें तो वो आपको दिराम 2450 में मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिला, 2450 में यहाँ पे मिल रहा है, दिराम 2450 इज द प्राइस फॉर 11। मगर मैं बात करूँ उसकी कंडीशन क्या यहाँ पर अवेलेबल है। जी हाँ, इसमें कंडीशन क्या अवेलेबल है, यहाँ पे कंडीशन है सर्टिफाइड रिबनिश की। यह सर्टिफाइड रिबनिश क्या होता है, एक्चुअली में इस साइट पर आपको हर टाइप के फोन मिलेंगे, ब्रांडेड फोन हो या फिर सर्टिफाइड हो, हर टाइप के फोन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और बात करते हैं सर्टिफाइड, सर्टिफाइड और ब्रांड न्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सर्टिफाइड में एक सर्टिफिकेशन के साथ 100% क्वालिटी के साथ आपको एक फोन दिया जाता है जो कि एकदम नेचुरली पैक्ड होता है और साथ ही साथ इसमें आपको हर एक पैरामीटर पे चेक किया हुआ फोन मिलता है, चाहे वो उसके डिस्प्ले पे हो या बैटरी पे, हर एक चीज देखी जाती है, चाहे वो उसकी इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी पे हो या फिर ऑडियो वीडियो क्वालिटी पे। अब हम बात करते हैं सर्टिफाइड रिबनिश के पैरामीटर्स क्या है, इसमें 29 पैरामीटर्स होते हैं जो कि यहाँ पर चेक किए जाते हैं, जिनमें से हर पैरामीटर एक नॉर्मल फोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इसका फिजिकल अपीयरेंस हो, इंटरनल फीचर्स हो या फिर हो इसका कोई और फीचर, वो चीजें देखी जाती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से फोन्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ देखते हैं बाकी फोन्स में क्या वेरिएशन यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ फोन्स की तो यहाँ पर आपको आईफोन प्रो भी मिल सकता है 256 GB का, जो कि आपको मिलेगा ग्राम 373 में। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपको प्राइसिंग मिल रही है। अगर आपको प्राइसिंग के बारे में और जानना तो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइट आप सभी के लिए एकदम अवेलेबल है, 24/7 यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होते हैं ताकि वो आपके लिए हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर आपको कोई और मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए हो या फिर हो कोई कंफ्यूजन यही दो मॉडल्स के बारे में, तो आप हमें कंपेयर करने के लिए बता सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको किन दो फोन्स में है कंफ्यूजन। वी विल हेल्प यू आउट एवरी वे पॉसिबल। आप यहाँ से अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलते हैं 6 मंथ्स की गारंटी सर्टिफाइड रिबनिश में और साथ ही साथ ब्रांड न्यू में मिलता है 1 ईयर वारंटी। आपको यहाँ पर दोनों तरह के फोन्स मिलते हैं, तो आप लोग लॉग इन कर सकते हैं हमारी साइट पर और देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या अवेलेबल है। टिल देन मुझे दीजिए इजाजत, मैं लूंगी आपसे अलविदा और मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।